अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में रमजान स्पेशल में बना रहे हैं मिनी पिटा बाइट्स, बहुत ही मजे की, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मिनी पिटा बाइट्स के लिए सबसे पहले हमने डो तैयार करनी है। तो डो तैयार करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, मैदा लेंगे हम 2 कप, 2 टेबलस्पून हम लेंगे यहाँ पे पाउडर मिल्क, ईस्ट लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, चीनी लेंगे 1 टीस्पून, ऑयल लेंगे 2 टेबलस्पून और हसब जरूरत नीम गरम दूध लेंगे। अगर आप दूध नहीं लेना चाहते तो आप पानी भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास पाउडर मिल्क नहीं है तो आप मत डालें, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इससे ये होता है जो हमारी डो होती है ना बहुत सॉफ्ट बनती है, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। और अगर आप बटर डालेंगे तो बटर से तो और भी ज़्यादा कमाल की डो रेडी होगी, लेकिन मैं ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम मैदे में डालेंगे ईस्ट, चीनी, मिल्क पाउडर, नमक और मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें डाल के, और अब सेंटर में हम जगह बना लेंगे और इसमें हम डाल देंगे ऑयल और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, मिक्स करेंगे और डो को गूंद लेंगे। थोड़ा सा दूध और डालेंगे, और अब हम क्या करेंगे, डो को इस पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए स्लैब पर हम इसको निकाल लेंगे, पर ये साफ होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से साफ हो, उसके बाद आप इसको यहाँ पे रख के गूंदेंगे। इससे ये होगा जो डो होगी वो हमारी बहुत अच्छे से गूंदी जाएगी, और मैं आपको उसका तरीका भी बताती हूँ कि कैसे गूंदना है। ये जो ड्राई है ना, पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनकी डो जो होती है वो राइज नहीं होती। ठीक है, तो वो यही मसला होता है कि उसे गूंदते वो अच्छे तरीके से नहीं है। अगर वो अच्छे तरीके से गूंदेंगे ना तो डो आपकी कैसे हो सकता है राइज ना हो, या तो वो बहुत ज़्यादा गर्म दूध इस्तेमाल कर लेते हैं और या तो फिर ज़्यादा पतला कर देते हैं और राइज ही नहीं होती, या फिर कोई गड़बड़ ज़रूर करते हैं वो। अब हमने क्या करना है, इसको आराम से गूंदते जाना है। ये देखें इस तरह, इस हाथ की हथेली से इस तरह से प्रेस करना है। ठीक है, इसको आपने इस तरह से गूंद लेना है। जैसे ये चिपकना बंद हो जाएगा ना तो समझे आपकी डो अच्छे से गूंद ली गई है। ठीक है, ऐसे आपने करना है। ये देखिए इसको अच्छे से हम गूंदेंगे, तो ये देखिए डो को हमने इतनी अच्छी तरह से गूंदा है कि ये बिल्कुल मेरे हाथ भी साफ हो गए हैं और चिपकना भी बंद हो गई है। इसका मतलब ये परफेक्ट अच्छे से हमने इसको गूंद लिया। तो अब मैं क्या करूंगी, इसका पेड़ा बना के इसको राइज होने के लिए रख दूंगी। तो चलें, पेड़ा हमने बना लिया, अब इसको हम राइज कर लेंगे, प्लास्टिक रैप से कवर कर लेंगे। तो अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप इसे किसी कपड़े से भी कवर कर सकते हैं, या कोई कैप लगा दें उसे भी कवर कर सकते हैं। तो अब इसे हम रख देंगे राइज होने के लिए 1-2 घंटे के लिए। मिनी पिटा बाइट्स के चिकन रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन लिया है मैंने 1 किलो बोनलेस, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। प्याज लिया है मैंने 1 लार्ज साइज कप, बिल्कुल छोटा छोटा कटा हुआ। हरी मिर्चें ली है मैंने 2 अदद कटी हुई। लहसुन के जवे लिए 2 अदद, जिनको मैंने क्रश कर लिया। नमक लिया है 1 टीस्पून। केचप लिया है मैंने 4 टेबलस्पून। मायोनेज लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। सफेद मिर्च का पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून। पेपरिका पाउडर लिया है 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च लिया है 1 टेबलस्पून। सोया सॉस लिया है 1 टेबलस्पून। चिली सॉस लिया है 1 टेबलस्पून। और सिरका लिया है 1 टेबलस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें फिलिंग के लिए। तो चलिए रेडी करते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें हम ऑयल डाल देंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के। ऑयल डाल के हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे लहसुन के साथ, साथ साथ हम इसमें डाल देंगे सिरका। तो ये देखिए चिकन पिंक से वाइट हो चुका है, अच्छे से हमने इसको फ्राई किया और इसमें सिरका भी ऐड कर दिया। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक और इसमें डालेंगे सोया सॉस, हरी मिर्चें कटी हुई, मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का भी डाल सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च,
चिली सॉस मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे प्याज। जितना भी पानी है ना उसी में चिकन हमारा कुक हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए चिकन का जो पानी था ना वो सारा ड्राई हो चुका है और चिकन हमारा कुक हो चुका है। अब मैं इस पे डाल दूंगी केचप। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और साथ ही इसमें जाएगा मायोनीज। फ्लेम ऑफ है, फ्लेम ऑन नहीं है। ये देखें फ्लेम बिल्कुल ऑफ है, ठीक है। तो ये रेडी हो चुका है, इसको हम साइड पे करते हैं, ठंडा करते हैं और उतनी देर पीटा ब्रेड रेडी करते हैं। तो डो हमारी राइस हो चुकी है, तो अब इसको हम निकालते हैं। तो मैदा डस्ट करते हैं और इसको हम निकालते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ज़बरदस्त ही हमारी डो राइस हुई है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने बेल लेना है सारा, ठीक है। मैदा डस्ट करेंगे, अब इसको हम बेलेंगे। तो ये देखिए हमने बड़ी सी रोटी बना ली है। अब हमने क्या करना है, एक कटर लेना है इस साइज का, जो कुकी कटर होते हैं वो लिया है, और उसको हमने मैदे में थोड़ा सा रोल करना है, ठीक है। और अब हमने कटिंग करनी है, ठीक है। बाकी के हम फिर से बेल के पेड़ा बना के बेल लेंगे। और इनको हमने क्या करना है, इनको हमने इधर रख देना है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हैं और इधर रखते हैं। तो इसको हम रखते जा रहे हैं और इसके ऊपर हम ये कवर डाल देंगे और इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे हम 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको बेक करते हैं तवे पे। अब इसे हम फोक से सुराख कर देंगे कि ये बिल्कुल पूरी की तरह फूल ना जाए। सब पे कर लेंगे हम। तो एक यहाँ पे हमने तवा ले लिया, तवे को हमने गर्म कर लिया, उसके बाद हमने बिल्कुल हल्का कर दिया और ये हम रखते जाएंगे इस तरह, ठीक है। तो बस हल्की आंच पे हमने रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना वरना ये जल जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या ये हो चुका है, इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, ये देखें, तो ये देखें ये रेडी। इनको निकालते हैं, इसी तरह सारे रेडी कर लेंगे। तो सारी मिनी पीटा ब्रेड रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक ब्रेड पकड़ेंगे और इसको हम सेंटर से ऐसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे सेंटर से, ठीक है। और अब हम इसमें फिलिंग करेंगे, अब हम इसमें चिकन की फिलिंग करेंगे। इसको इस तरह से रखते जाएंगे और इसी तरह हम सारे रखते जाएंगे, इसी तरह सारे बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो तैयार है मिनी पीटा बाइट्स, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही टेस्टी। और मैंने इसको स्टिक्स लगा ली थी ताकि ये अच्छे से टाइट रहें, बाहर ना निकलें। और ये देखें, अगर आपने खाना है तो आप इसको ऐसे खा सकते हैं। ये देखें इस तरह पकड़ के आराम से मुंह में बाइट लें और ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी है। तो आप इफ्तारी में बनाएं और मेहमानों को खुश कर दें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो के कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये मिनी पीटा बाइट्स की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना के इंस्टा को फॉलो करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।